दोस्तों, अगर आप भी किसी अच्छी मूवी का इंतजार कर रहे हैं और इस महीने यानी सितंबर में सिनेमा में जाकर एक अच्छी सी मूवी देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस महीने की 10 आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में जिसका इंतजार ऑडियंस बेसब्री से कर रही है। आपके फेवरेट स्टार्स इस महीने जबरदस्त फिल्में लेकर आ रहे हैं, तो फिर डेट नोट कर लीजिएगा ताकि कोई अच्छी फिल्म मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सितंबर की आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में। नंबर 1, जवान। दोस्तों, इस महीने की 7 तारीख को सुपरस्टार शाहरुख खान की जवान फिल्म रिलीज होने जा रही है। जवान एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें शाहरुख खान के साथ लीड रोल में साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा नजर आने वाली हैं। 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म इस बार बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देने वाली है, क्योंकि अगस्त में लॉन्च हुआ इस फिल्म का ट्रेलर ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। जवान फिल्म के डायरेक्टर एटली हैं, जो टॉप डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं। साथ ही इस फिल्म की कास्ट भी जबरदस्त है। इस फिल्म में विजय सेतुपति, संजय दत्त, दीपिका पादुकोण, सान्या मल्होत्रा और विजय थालापति भी नजर आने वाले हैं। यही वजह है कि लोग इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। नंबर 2, मार्क एंटनी। दोस्तों, तमिल फिल्म मार्क एंटनी इसी महीने की 15 सितंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अधिक रविचंद्रन हैं और इस फिल्म में मुख्य किरदारों में विशाल, एसजे सूर्या और ऋतु वर्मा भी नजर आने वाले हैं। यह फिल्म फैंटेसी और एडवेंचर से भरपूर है। इसका ट्रेलर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया है। आप चाहें तो आप भी इस वीडियो के बाद इस फिल्म का ट्रेलर जाकर देख सकते हैं। नंबर 3, द ग्रेट इंडियन फैमिली। दोस्तों, इसके बाद विक्की कौशल इस महीने बेहद ही एंटरटेनिंग फिल्म लेकर आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन फैमिली बॉलीवुड की फिल्मी कॉमेडी फिल्म है जिसमें लीड रोल में विक्की कौशल और उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर मानुषी छिल्लर नजर आने वाली है। साथ ही इनके अलावा इस फिल्म में मनोज भावा, कुमुद मिश्रा, सादिया सिद्दीकी और अलका अमीन भी मौजूद हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय कृष्णा आचार्य और फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा हैं। दोस्तों, अगर आप फैमिली के साथ फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। ये फिल्म 22 सितंबर 2023 को सिनेमा में रिलीज होने जा रही है। नंबर 4, द नन 2। दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं किसी हॉरर थ्रिलर फिल्म का तो आपको बता दें कि हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में गिने जाने वाली मूवी द नन का पार्ट 2 इसी महीने आने वाला है। द नन हॉलीवुड की सबसे डरावनी फिल्मों में गिनी जाती है और आप भी हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो 8 सितंबर को डेट नोट कर लें। ये नन 2 सिनेमा में 8 सितंबर 2023 को रिलीज होने जा रही है। इसका ट्रेलर देखकर ही ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिसके अंदाज लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है। नंबर 5, फाइटर। दोस्तों, इसके बाद आपको ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की धमाकेदार फिल्म फाइटर सिनेमा में देखने को मिलने वाली है। फाइटर मूवी की रिलीज डेट 28 सितंबर बताई जा रही है, हालांकि इससे पहले फाइटर की रिलीज डेट जनवरी 2024 बताई जा रही थी, मगर अचानक इनकी रिलीज डेट में चेंज आ गया है। एक तरह से ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण ने अपने फैंस को शानदार सरप्राइज दिया। ये फिल्म भी काफी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है और इसकी खास बात यह भी है कि आपको इस फिल्म में टर्किश एक्टर बिरोल तरकन यिल्डिज भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये 250 करोड़ के बजट पर बनी एक एक्शन फिल्म है जिसके लिए भी काफी लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली इस महीने उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। नंबर 6, इराइवन। दोस्तों, ये एक तमिल लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, लेकिन ये तमिल के साथ साथ कई अन्य भाषाओं हिंदी, तेलुगु, मलयालम में भी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आपको जयम रवि एंड नयनतारा जैसे बड़े कलाकार दिखाई देंगे और ये फिल्म आपको 28 सितंबर को सिनेमा में देखने को मिलेगी। इस फिल्म की रिलीज डेट पहले 25 अगस्त 2023 बताई जा रही थी, मगर किसी कारण इस फिल्म की डेट डिले करके 28 सितंबर फिक्स कर दी गई है। जो भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि आपका इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 7, सालार। दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि इस महीने में आपको देखने के लिए मिलने वाली है सुपरस्टार प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी सालार, जिसके रिलीज होने से पहले ही इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। प्रभास के फैन इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह हिंदी सिनेमा की एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर प्रसन्नाथ नील हैं। 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ फेमस एक्टर श्रुति हसन नजर आने वाली हैं। इस फिल्म को कन्नड़ और तेलुगु भाषा में बनाया गया है, लेकिन यह तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में भी डब्ड की जाएगी। यह फिल्म आपको 28 सितंबर 2023 को देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, सालार मूवी KGF चैप्टर 2 से संबंधित हो सकती है। दोस्तों, अब ऐसा होता है या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि ये फिल्म वाकई में जबरदस्त होने वाली है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस फिल्म को सिनेमा में देखने जाने वाले हैं या नहीं। नंबर 8, द पूर्वांचल फाइल्स। दोस्तों, फिर आपको इसी महीने में एक और धमाकेदार मूवी देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म का नाम द पूर्वांचल फाइल्स है। इस फिल्म में भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक बहादुर पुलिस अधिकारी की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म में सिद्धार्थ गुप्ता, शिवानी ठाकुर, मुकेश तिवारी और जरीन बहाव जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि यह फिल्म सिनेमा घरों में 22 सितंबर 2023 को देखने के लिए मिल जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर स्वरूप घोष हैं। तो दोस्तों, कैसे एक पुलिस ऑफिसर करप्ट पॉलिटिशियन से रिवेंज लेता है और कैसे उन्हें सबक सिखाता है, ये देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा। इस फिल्म में एक्शन और एंटरटेनमेंट दोनों ही आपको भरपूर मिलने वाला है। हाल ही में इसका ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया गया है। आप चाहें तो इसका ट्रेलर भी जाकर देख सकते हैं और ट्रेलर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस फिल्म को सिनेमा में देखने का प्लान भी बना सकते हैं। नंबर 9, चंद्रमुखी 2। दोस्तों, इस बार और वो भी इसी महीने में आपको दूसरी हॉरर फिल्म चंद्रमुखी 2 भी देखने के लिए मिलने
मिलने वाली है। चंद्रमुखी 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। जब कंगना का इस फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था तो सभी ने कंगना की काफी तारीफें की थी। इस फिल्म को लाने की तैयारी काफी वक्त से चल रही थी। इस फिल्म का पार्ट 1 चंद्रमुखी साल 2005 में आया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया और अब इसके काफी लंबे समय बाद इसका पार्ट 2 चंद्रमुखी 2 सितंबर 2 महीने में आने वाला है जिसके लिए भी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। ये फिल्म तमिल भाषा में बनी है लेकिन इसे बाकी भाषाओं हिंदी तेलुगु मलयालम में डब्ड किया जाएगा। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ राघव लॉरेंस, महिमा नाम्बियार, लक्ष्मी मेनन और राधिका सर्थ कुमार जैसे और भी कई मुख्य कलाकार शामिल हैं। जेपी बासु इस फिल्म के राइटर और प्रोड्यूसर हैं। ये फिल्म 15 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। इस फिल्म का भी ट्रेलर लॉन्च हो चुका है जो काफी ज्यादा थ्रिलर दिखाई दे रहा है और साथ ही कंगना इस फिल्म में बेहद स्टनिंग नजर आई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म सुपरहिट होने वाली है। नंबर 10 सुखी। दोस्तों आखिर में हम बात करने वाले हैं शिल्पा शेट्टी की आने वाली नई फिल्म सुखी की। 6 सितंबर 2023 को इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया था और ये फिल्म 22 सितंबर 2023 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी सुखी फिल्म का पोस्टर जारी किया था। इस फिल्म की डायरेक्टर सोनल जोशी और प्रोड्यूसर भूषण कुमार हैं। सुखी फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो आपको एंटरटेन करने के साथ महिलाओं के बारे में और इनकी इच्छाओं के बारे में बताएगी। इस फिल्म में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ अमित साध, चैतन्य चौधरी और दिलनाज ईरानी को भी कास्ट किया गया है। तो दोस्तों ये थी वो फिल्में जो आपको इस महीने यानी सितंबर में अपने नजदीकी सिनेमा में देखने को मिलने वाली है। इस महीने आपको हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, ड्रामा सब कुछ देखने को मिलने वाला है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इनमें से कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और कौन सी फिल्म को सिनेमा में देखने जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी फिल्में देखने के शौकीन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।